दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व क्यों है, आखिर मंत्र क्यों बनाए गए, ये मंत्र हैं क्या, किसने बनाए, एक मंत्र को उसके सही उच्चारण के साथ ही क्यों बोलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों की। देखिए सबसे पहले तो मंत्र का शाब्दिक अर्थ जानने की जरूरत है। ऐसी ध्वनि जो आपको मेंटल पीस दे, आपके मन को शांत करे, वो ही मंत्र है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है मना तार्यति इति मंत्र, यानी मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। दोस्तों सनातन धर्म में मंत्र जपना हजारों सालों से चला आ रहा है। वो ऋग्वेद के तीसरे मंडला के 62nd सूक्त का गायत्री मंत्र हो, जो ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करता है कि इंसान के साथ साथ सभी पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी लाभदायक है। या ऋग्वेद के ही 7वें मंडला के 59th सूक्त का महामृत्युंजय मंत्र, जिसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। और भी ऐसे कई वैदिक मंत्र हैं जिन्हें चैंट करने से हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस, यानी शरीर और दिमाग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पर कैसे, आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों वजह है इन मंत्रों की ध्वनि, वो साउंड जो इन मंत्रों के उच्चारण से पैदा होती है। मंत्रों के अर्थ को अलग रख दें तो विशेषज्ञों का मानना है मंत्रों की सिर्फ ध्वनि यानी साउंड में ही अपार शक्ति होती है। कुछ साउंड प्योर होती है और कुछ इम्प्योर, और ये डिपेंड करता है उनकी वाइब्रेशंस पर। और जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। मॉडर्न साइंस ने साउंड और लाइट दोनों को वाइब्रेशंस ही माना है। अब अगर आपको साउंड को लाइट में बदलना है तो फ्रीक्वेंसी को आपको 40 ऑक्टेव तक बढ़ाना होगा, और तब जो आपको वाइब्रेशन मिलेगी वो ट्रिलियंस ऑफ साइकल्स पर सेकंड होगी, और वो एक लाइट के रूप में आपके सामने होगी। महान योगियों ने साउंड को लाइट में बदलने का काम अपने शरीर के भीतर हमेशा से किया है दोस्तों, और वो मंत्रों के माध्यम से ही हुआ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये नहीं बताना चाह रहे कि कौन सा मंत्र आप पर क्या प्रभाव डालता है, बल्कि हम मंत्रों की अद्भुत शक्ति के बारे में आपको बताना चाहते हैं, और इसे सिर्फ रिलीजियस चश्मों से नहीं, साइंटिफिक अप्रोच से देखना पड़ेगा। मंत्रों के साउंड आपके लिए लाइफ के नए डायमेंशंस खोलते हैं। ये ऐसी साइंस है जिसमें आप साउंड की मदद से अपने आसपास और अपने अंदर एक खास एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जिससे आपका माइंड एक्टिवेट होता है। लगातार मंत्रों की चैंटिंग से न सिर्फ फोकस बेटर होता है, बल्कि मेमोरी और अटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि मंत्र आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर मंत्रों को सही उच्चारण सही फ्रीक्वेंसी के साथ बोला जाता है तो न सिर्फ ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, बल्कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ सकता है। और ये भी साबित हुआ है कि खास मंत्रों को चैंट करने से ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर सिंक्रोनाइज होता है। आम की बात करें तो इसे ओरिजिनल साउंड ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले जब ध्यान लगाने वाले तपस्वियों और ऋषियों ने गहरी ध्यान की प्रक्रिया के दौरान जो साउंड सुनी थी वो आम की ही थी, और फिर आम तो सनातन धर्म का प्रतीक ही बन गया, क्योंकि सनातन धर्म में इंसान हमेशा से तपस्या और ध्यान लगाकर स्वयं की उत्पत्ति और अंत की खोज में अपना जीवन जीता आया है। दोस्तों आपने कई योगियों और तपस्वियों को सिर्फ हमिंग पे मेडिटेशन करते देखा होगा, वही हमिंग साउंड जो आउम बोलते समय सबसे आखिर में निकलती है। दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि सिर्फ हमिंग से, जी हाँ सिर्फ हमिंग से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक खास कंपाउंड होता है जो नर्वस, इम्यून और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में होने वाली कई प्रोसेसेस में हेल्प करता है। ये बात सनातन धर्म में करीब 15,000 साल पहले से भी चली आ रही है। तो दोस्तों ये कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऋषि मुनि उस काल के साइंटिस्ट ही थे जो लगातार ह्यूमन बॉडी को अपग्रेड करने के तरीके ढूंढ रहे थे, और मंत्र उन साइंटिस्ट्स के एक तरह के टूल थे। अगर बच्चों को मंत्रों की इम्पोर्टेंस समझाई जाए और बचपन से मंत्रों की चैंटिंग की आदत डाली जाए तो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट एक अलग लेवल पर होगा। दोस्तों यही तो सनातन धर्म है, ऐसे तौर तरीके जिन्होंने इंसान का जीवन जीने का तरीका बदला। सनातन सोच के माध्यम से हम आपको वही मशाल थमाना चाहते हैं जिसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने प्रज्वलित किया था, क्योंकि दोस्तों हमें लगता है वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत है और यही भविष्य। मैं हूं अमित ड्योंडी, प्रणाम।